नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना शुरू करने के पहले मैं देश के बड़े नेता, हमारे उत्तर प्रदेश के 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे, 8 बार विधायक और 7 बार सांसद रहे स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपनी श्रद्धांजलि और किस्सा गोई परिवार की तरफ से भी उन्हें श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। देश के बड़े नेता थे, प्रदेश के बड़े नेता थे, अनडिवाइडेड यूपी के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद फिर 2 बार और मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, रक्षा मंत्री रहे और उनकी जो पहचान थी जमीन से जुड़ा होने की पहचान, वो कभी जमीन से अलग नहीं हुए, इसीलिए उनको धरती पुत्र की उपाधि दी गई थी। किसानों की हितैषी स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के शिष्य या राजनीति उनसे सीखी और राजनीति में उनका कोई व्यक्तिगत विरोधी नहीं था। राजनीतिक विचारधारा के तो बहुत से विरोधी थे लेकिन उनका व्यक्तिगत विरोध किसी से नहीं था। आज सैफई में जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, पंचतत्व में विलीन हो गए स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, जिन्हें प्यार से पूरा प्रदेश या पूरा देश नेताजी के नाम से पुकारता था, उस समय की भीड़, उस समय वहां तमाम उनकी विचारधारा के मुखालिफ लोग, बड़े नेता, देश के बड़े नेता, इन सब की मौजूदगी थी। ये साबित करती है कि वो सर्वमान्य थे। विचारधारा कुछ भी रही हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन एक सफल राजनेता, एक सफल राजनीतिज्ञ, एक सफल प्रशासक और एक सफल पार्लियामेंटेरियन। कल कुछ लोगों ने इस पे आपत्ति की कि साहब आपने उनका नाम नहीं लिया, उनकी बात नहीं की जबकि उनका देहांत हुआ। आपको ध्यान होगा, अब से पहले जिन जिन लोगों को मैंने स्वयं और किस्सा गोई परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की है, वो तब की है जब वो हमारे बीच नहीं रहे, पंचतत्व में विलीन हो गए। कल तो वो उनका नश्वर शरीर हमारे बीच था, हजारों लाखों लोगों ने कल से लेके आज तक उनके दर्शन भी किए, अंतिम दर्शन भी। कुछ लोगों ने यह भी टिप्पणी की कल कि साहब आप उस पीरियड में कहीं ना कहीं रहे होंगे जब वो मुख्यमंत्री थे, उनके बारे में भी कुछ बातें जो आपके कैरियर से संबंधित हों साझा करिएगा। तो मैं ये बता दूं कि जब वो पहली बार मुख्यमंत्री हुए उत्तर प्रदेश के 88 से 91 के बीच में, तभी 89 में हम लोग 1986 बैच के पीपीएस अधिकारी थे, डिप्टी एसपी। 89 में हम लोगों ने फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग पीटीसी मुरादाबाद में की और पहले फेज की ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जब हम लोग जिलों में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो एक सेरेमनी होती है, पासिंग आउट परेड। सभी सशस्त्र बलों में, वर्दीधारी बलों में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब वो फील्ड में निकलते हैं तो एक पासिंग आउट परेड होती है, उसका एक मुख्य अतिथि होता है जो उस परेड की सलामी लेता है। स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी हम लोगों की पासिंग आउट परेड के मुख्यमंत्री थे, मुख्य अतिथि थे। पहली बार मुख्यमंत्री हुए थे। मैं सौभाग्य से उस पासिंग आउट परेड में, जिसमें कुल 32
डिप्टी एसपी अंडर ट्रेनिंग डिप्टी एसपी थे, उस टुकड़ी में या उस पासिंग आउट परेड में मैं परेड कमांडर था। परेड को जो लोग सशस्त्र बलों में हैं वो जानते होंगे, मेरे सारे बैचमेट जानते हैं, और मेरे साथ उस समय जो और सब इंस्पेक्टर्स ट्रेनिंग कर रहे थे वो भी जानते हैं। मैंने पहली बार किसी मुख्यमंत्री को देखा था, कभी न तो राजनीति से मेरा कभी वास्ता रहा न उसकी समझ रही, लेकिन जब परेड के निरीक्षण के लिए अनुरोध करने जाता है परेड कमांडर, हाथ में तलवार लिए हुए मुख्य अतिथि के सामने उपस्थित होता है, सावधान बनाता है, सलामी देता है उनको और उनसे अनुरोध करता है कि श्रीमान जी परेड निरीक्षण को तैयार है। जो स्टेज बना था, जो डायस था जिस पर माननीय मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी खड़े हुए थे, उससे कोई 5-7 कदम पीछे वो जगह बनी होती है, महीनों से उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है, नज़दीक पहुंचेंगे कब आप अपनी तलवार को डिप करके और उनको सलामी देंगे, कब उनसे अनुरोध करेंगे कि आप परेड का निरीक्षण करें। फिर एक खुली हुई जिप्सी आती है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि जो भी होगा वो उसमें बैठते हैं, हमारे जो डीजी ट्रेनिंग थे वो उसमें खड़े होते हैं और हम उसमें पीछे, परेड कमांडर उसमें पीछे उपस्थित होता है, और फिर वो जो परेड खड़ी होती है उसका निरीक्षण करते हैं, वापस फिर डायस पर आ जाते हैं। तब मैंने पहली बार उनको देखा था और मेरा सौभाग्य है कि हमारी पासिंग आउट परेड उस समय के मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव ने ली थी। जब मैं नजदीक गया था तो इतना छोटा कद, कुर्ता धोती सफेद पहने हुए, काले रंग की या डार्क कलर की सदरी भी पहन रखी थी, शायद दिसंबर का महीना रहा होगा, नवंबर या दिसंबर का, तो मैं मन ही मन बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि मैं किसी बार एक मुख्यमंत्री को देख रहा हूं, इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री इतना छोटा कद। और उसके बाद जब उन्होंने भाषण दिया था अंत में तो पुलिस के बारे में तमाम बातें बताई थी, और हम लोगों को तमाम आशीर्वाद और तमाम अच्छी अच्छी बातें भी उस भाषण में, मंच से दिए गए उस भाषण में उन्होंने हम लोगों को बताई थी। तो ये मेरा पहला उनसे वास्ता पड़ा था। दोबारा जब वो मुख्यमंत्री हुए 93 से 95 के बीच में, तब मैं सीओ सिटी जौनपुर और सीओ सिटी आजमगढ़ था। तीसरी बार जब वो 2003 और 2007 के बीच में जब मुख्यमंत्री हुए थे तो मैं करीब 2 साल के लिए एडिशनल एसपी बाराबंकी था। तो तीनों बार के उनके मुख्यमंत्रित्व काल में मैं जिले में पोस्टेड रहा। मैं छोटी सी घटना जो मेरे मस्तिष्क पर अंकित है वो आपको मैं जरूर बताऊंगा। जब मैं सीओ सिटी जौनपुर था तो वहां एक समाजवादी पार्टी के दबंग विधायक हुआ करते थे, बात ये 93 से 95 के बीच, मोस्ट प्रोबेबली 94 में सरकार मिली जुली बनी थी सपा और बसपा की, और उसमें वो विधायक जी चुने गए थे, बहुत ही दबंग लेकिन मुलायम सिंह जी के बहुत ही करीबी, उनके बहुत ही विश्वास पात्र विधायक। अब चूंकि वो दिवंगत हो गए उनका नाम लेना मैं मुझे उचित नहीं लग रहा है, तो विधायक होने के तुरंत बाद उन्होंने, उनका शहर में कोई मकान नहीं था, वो जिस विधानसभा क्षेत्र से आते थे वहीं वो गांव के मकान में रहा करते थे। शहर में उन्होंने बिल्कुल टीडी कॉलेज के सामने की तरफ ढाल में बाईं तरफ अपना एक मकान बनाना शुरू किया। जौनपुर के रहने वाले, आसपास के रहने वाले समझ गए होंगे मैं किस माननीय विधायक की बात कर रहा हूं। जब उनका मकान बनने लगा तो तमाम इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स, चौकी इंचार्ज, कुछ तो वाहवाही में गए, कुछ बुलाए गए, और उनको सबको कुछ न कुछ काम उस मकान के बनाने में काम उनको बताया गया, पकड़ाया गया।
बहुत प्रभावशाली थे, मुख्यमंत्री के नज़दीकी थे, सब लोगों ने जो जो उनको दिया गया होगा 19-20 सभी लोगों ने वो उनकी जो डिमांड थी, डिमांड तो क्या, तमाम काम जो बताए गए थे वो पूरे किए। एक दिन मेरे लिए भी संदेश आया कि आपको विधायक जी ने याद किया है। मैं भी भाग कर गया, विधायक जी मुझे भीतर ले गए अकेले और उन्होंने एक गैर वाजिब डिमांड मेरे सामने रखी कि फलां चीज हमें चाहिए, नया मकान है। मैंने उनसे आदरपूर्वक मना किया कि सर ये मेरे बस का नहीं है। वो जोर से बोले तुम्हें जौनपुर में नहीं रहने दूंगा। विधायक थे, प्रोटोकॉल में सलाम किया उनको, पीछे मुड़ा मैं वापस आ गया। करीब एक हफ्ते बाद, 6 या 7 दिन बाद, मेरे एसपी जौनपुर, उसमें शायद आरपी सिंह साहब थे या मीना साहब थे, मुझे अच्छी तरह से ध्यान नहीं है, शायद आरपी सिंह साहब रहे होंगे, उन्होंने मुझे बुलाया बंगले पर, घर पर, और उनसे कहा कि तुम्हारी उन विधायक जी से कोई बात हुई है। मैंने उनको पूरी बात सच्ची सच्ची बता दी तो उन्होंने कहा अरे भाई क्यों नाराज कर रहे हो, तुम जानते हो तुम्हारा नुकसान कर देगा। मैंने कहा साहब क्या बात हुई? उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कुछ उनकी नाराजगी जरूर है। मेरा सुझाव है कि तुम विधायक जी से जाकर मिल लो, कुछ गलतफहमी अगर है तो दूर कर लो। मैं नहीं चाहता तुम अच्छे अधिकारी हो, यंग अफसर हो, तुम्हारी दूसरी ही पोस्टिंग है, शुरुआत में ही तुम्हारा कोई नुकसान हो जाए। मैंने उनसे कहा कि सर मैं उनके पास अब नहीं जा सकता, उनके बोलने का अंदाज और उनकी बदतमीजी, ये जग जाहिर है, कोई बात हो जाएगी जो मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। मैंने उनसे कहा कि सर अगर बात मुझे अपनी बात अपनी सफाई में आपको बता चुका हूं, आप चाहें तो इस बात को मुख्यमंत्री जी से ये बात बता दें, और अगर मुख्यमंत्री जी इससे संतुष्ट न हो तो मैं जाकर वहां जाकर अपनी बात कह लूं, क्योंकि उस समय तक मुझे ये पता लग गया था कि मुख्यमंत्री जी सीधे जिलों के एसपीज, एडिशनल एसपीज और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडीएम सिटी से सीधे फोन पर बात करते थे। मोबाइल फोन थे नहीं, लैंडलाइन थे, उन्हें किसी चीज की जानकारी करनी होती थी सीधे बात करते थे बिना किसी बीच के आदमी को इन्वॉल्व किए हुए। ये उस समय शोहरत हो गई थी, मेरी नई नई नौकरी थी, सोनभद्र से ट्रांसफर होकर जौनपुर आया था। उन्होंने कहा पागल हो गए हो तुम, सीएम से बात करोगे? सीएम तुमसे बात करेगा, डिप्टी एसपी से क्यों बात करेंगे भाई? तो मैंने उनको ये बताया कि सर मेरी पासिंग आउट परेड के वो मुख्य अतिथि थे, मैं उसमें परेड कमांडर था, तो अगर आप ये जिक्र करें हो सकता है मुझे अपनी बात कहने का मौका मिले। उन्होंने कहा सवाल ही नहीं उठता, न मैं बात करूंगा और न तुम्हें जाना चाहिए। हाँ तुम्हारी बात मैं अगर बात हुई तो उन्हें बता दूंगा। मैं मायूस हुआ लौट आया। 3-4 दिन बाद फिर उन्होंने बुलाया मुझे, उन्होंने कहा भाई मेरी बात मुख्यमंत्री से किसी सिलसिले में हो रही थी, तो मैंने बताया कि मेरे यहाँ एक यंग अफसर है और कुछ परेशानी है जो आप बता रहे थे, वो अपनी बात आपसे कहना चाहता है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कल उसे 5 बजे भेज दो, सुबह 5 बजे आके मेरे जो उनका आवास है मुख्यमंत्री आवास उस पर चला आए, जगजीवन जी से आकर मिल ले और कह दे अपनी बात, कोई बात नहीं है। वो भी बहुत खुश हुए, मैं भी बहुत खुश हुआ। मुझे ताज्जुब भी हुआ कि हायरार्की में बहुत जूनियर होते हैं डिप्टी एसपी एसईओ, और अपनी बात कहने के लिए मुझे बुलाया गया। मैं 4:30 बजे ही पहुंच गया, वहां बाहर जाके वर्दी पहने हुए था, मुख्यमंत्री से मिलना था। जब अपना परिचय भीतर जो सिक्योरिटी के लोग लगे होते हैं उनको बताया, तो थोड़ी देर बाद ही, करीब 5-7 मिनट बाद ही जगजीवन जी बाहर आ गए। जगजीवन जी उनके व्यक्तिगत सहायक थे, दुबला पतला शरीर, बहुत डार्क सांवला रंग,
और जो चौड़ी मोहरे वाला पैजामा उस जमाने में चलता था, बहुत चौड़ी मोहरे, मतलब वो उनकी शरीर के हिसाब से वो चौड़ाई कुछ ज्यादा ही लगती थी। वो पैजामा सफेद, एक साधारण कुर्ता, सामान्य रूप से एक चप्पल और कभी कभी हवाई चप्पल भी, और अपनी बगल में यहां पर एक छोटा सा बैग या डायरी उसको दबाए रहते थे। अति साधारण व्यक्ति, पर उन्होंने बताया कि मैं जगजीवन हूं। और नेताजी ने अभी अभी टहलना शुरू किया है और आपको तेज चलने में या दौड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? मैंने कहा नहीं सर। उन्होंने कहा आप उनके साथ साथ जाइए और खूब अपनी जो बात आपको कहनी है उनसे कह लीजिए, पूरा समय है। अब मेरे पास सोचने विचारने का कोई मौका नहीं था। वो मेरे साथ मैदान में ले गए, जो पीछे की तरफ बड़ा मैदान है मुख्यमंत्री आवास का, उसी में मैंने दूर से देखा कि वो चक्कर लगा रहे हैं। बहुत तेज चाल कह लें या थोड़ा हल्की सी दौड़ वाली चाल थी, उसमें वो चल रहे थे। मैं भाग के उनके पास तक गया, थोड़ा पीछे पहुंच के मैंने उनको जय हिंद किया। मुख्यमंत्री थे हमारे। उन्होंने फौरन कहा कितने बजे आए? मैंने कहा सर अभी 10 मिनट पहले आया। कोई दिक्कत तो नहीं होती तुम्हें तेज चलने में? मैंने कहा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। बताओ क्या बात है? तुम्हारे कप्तान कुछ बता रहे थे। मैंने उनको पूरी बात बता दी, जो कुछ भी बात हुई थी मेरी और विधायक के संबंध में। उन्होंने कहा बस इतनी सी बात है? मैंने कहा सर बस इतनी सी बात है। और उन्होंने बहुत नाराजगी में कहा था कि मैं तुम्हें जौनपुर में नहीं रहने दूंगा। बोले अच्छा चलो, वैसे विधायक विधायक से कोई लड़ाई मत किया करो, नए लड़के हो, कोई बात नहीं जाओ। मैं चला आया, वापस सरकारी गाड़ी ले गया था, बैठा और वापस जौनपुर चला गया। जाते ही एसपी को बताया कि साहब ये मेरी बात हुई। वो भी खुश हुए, बोले मुझे ऐसा लग रहा था कहीं तुम्हारा कहीं ट्रांसफर न कर दूं। और फिर मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ। थोड़े दिन बाद हुआ, लेकिन सीओ सिटी जौनपुर से सीओ सिटी आजमगढ़ हुआ, दोनों प्रेस्टीजियस पोस्टिंग थी। इस तरह का था उस जमाने में नेताजी या माननीय मुलायम सिंह जी अधिकारियों से सुबह ही मिलते थे। उस जो 10-20-50 चक्कर वो लगाते थे, उसी बीच में 5-7 अधिकारियों से मिल लेते थे। आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, पीपीएस, पीसीएस, जिस किसी को बुलाया है उन्होंने बात करने के लिए। उन लोगों को दिक्कत होती थी जो भारी शरीर के थे या जो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते थे, तो वो अपनी जल्दी जल्दी 2-4 मिनट में बात करके और सांस फूलने लगती थी, हट जाती, उन पर हंसते भी बहुत थे और कहते थे शरीर ठीक करो, शरीर है तो सब है। जगजीवन जी जब जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हुए, उनको ओएसडी बना दिया जाता था, यही लखनऊ के आसपास कहीं काकोरी या मोहनलालगंज के रहने वाले थे और दिन रात वहीं रहते थे। उनकी उनके खाने पीने से, कपड़े से और उनके कार्यक्रम से, सब से लेके मैं उसी दिन उनका मुरीद हुआ था। बाद में जब मेरी लखनऊ पोस्टिंग हुई तो कभी कभार उनसे मिलना भी होता था। जब भी मैं मुलायम सिंह जी से, चूंकि बड़े नेता थे, कभी धरना के संबंध में, कभी प्रदर्शन के संबंध में, कभी बंद के संबंध में, संबंधित लोगों से या संबंधित पार्टी के नेता से मिलने के लिए मैं एसपी सिटी या एडीएम सिटी जाया करते थे। क्या प्रोग्राम है, कैसे होगा, कहाँ तक आएंगे, तमाम चीज़ें जो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से अधिकारी को करनी चाहिए। एक दूसरा आदमी और, राम शरण दास, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, बहुत फेमस हुए थे जब एक टीवी डिबेट के दौरान उन्होंने गुंडी शब्द का इस्तेमाल किया था एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष के लिए। बहुत फेमस हुआ था गुंडा गुंडी, ये आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अति साधारण व्यक्ति, और जब तक वो जिए प्रदेश अध्यक्ष रहे, जब तक वो जिए वो कार्यालय के कमरे में ही रहते थे, वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं सोना। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे ये दोनों। ऐसे ऐसे लोग
माननीय मुलायम सिंह जी के साथ थे। मैं उनकी राजनीतिक विचारधारा पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, मेरी इतनी राजनीतिक समझ भी नहीं है और न ही राजनीति में मेरा कोई दखल है। विचारधारा के मामले में उनके बहुत से विरोधी हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जैसा आपने सुना होगा, कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके बारे में जो अपने उद्गार एक जनसभा में व्यक्त किए, ये कोई सामान्य बात नहीं है। उसमें उसका भी जिक्र किया कि इतनी विपरीत विचारधारा के बावजूद 2019 के संसद के सत्र के अंतिम दिन, लेम डक सेशन जिसे कहते हैं, मुलायम सिंह जी ने ये कहा कि सबको साथ लेकर चलने वाले नरेंद्र मोदी जी, ऊपर वाले से प्रार्थना है कि वो फिर से जीतें और फिर से प्रधानमंत्री हों। घोर विपरीत विचारधारा का नेता, बड़ा नेता, जन नेता, जमीन का नेता, पार्लियामेंट में खड़े होकर किसी प्रधानमंत्री के लिए जो उसकी विरोधी विचारधारा का हो कहना, ये सबके बस का नहीं है। दूसरी एक चीज और उनके बारे में बताएं कि जब जब इलेक्शन आने को हुए हमारे पूरे टिन्योर में, तो एक बात तुरंत सारे अधिकारियों के मन में आ जाती थी कि अब मुलायम सिंह जी हर ब्लॉक का दौरा करेंगे। इलेक्शन से 2-3 महीने पहले प्रदेश के सारे ब्लॉक्स पे वो जनसभा कर लेते थे, इतने जमीन के आदमी थे। पब्लिक से संवाद रखना, कम्युनिकेट करना, वो उनकी जिसको कहते हैं कि असाधारण प्रतिभा थी। भीड़ में किसी को भी नाम से बुला लेना, बहुत ढेर सारे और इस संबंध में बातें हैं, लेकिन वो यहां बात करूंगा बहुत लंबा हो जाएगा। किसी ने अगर उनके साथ, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे या राजनीति की शुरुआत में उनके विधानसभा क्षेत्र में आसपास, किसी ने भी अगर उनकी जरा सी भी मदद की होगी, उसकी मदद उन्होंने आजीवन की। ऐसे रिश्तों को निभाने वाले माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, आज वो उनका नश्वर शरीर भी पंचतत्व में विलीन हो गया। मैं स्वयं और किस्सागोई परिवार की ओर से उन्हें फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आज का वाकया, आज का वाकया राजस्थान से है, जयपुर से है। जयपुर और दौसा के बीच में ये घटना हुई थी। जयपुर की रहने वाली 35 साल की एक महिला 23 अप्रैल की सुबह दौसा जिले के अपने गांव, जो उसका पीहर था, वहां से जाने के लिए बस से निकली। अपने गांव के पास के बस अड्डे पर वो उतर गई। तब तक का पता उसके घर वालों को है, लेकिन देर रात तक नहीं पहुंची और 24 अप्रैल की शाम तक भी नहीं पहुंची। 2022 की बात, यानी हालिया बात में बता रहा हूं। 24 तारीख की शाम को महिला के परिजनों ने थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। गांव इकट्ठा हुआ, दौसा जिले के तमाम पुलिस के पदाधिकारी भी आए। लोगों में रोष था कि जब वो वहां से चली तो यहां तक नहीं पहुंची, पुलिस इस पे कार्रवाई करे। पुलिस ने ढूंढना शुरू किया कि कहां से चली, कहां तक आई, कहां देखी गई, लास्ट कहां देखी गई। उसके पीहर से जयपुर से आने वाली बसों के बस अड्डे तक सीसीटीवी देखे गए। गंभीर घटना थी, बड़े अधिकारियों के संज्ञान में थी। राजनीतिक जो प्रहार होते हैं ऐसी घटनाओं पर, सत्तारूढ़ दल के ऊपर या मुख्यमंत्री के ऊपर,
वो शुरू हो गए थे। बहरहाल सोनड़ मोड़ पर एक सीसीटीवी फुटेज में वो लड़की, वो महिला दिखाई पड़ गई। फुटेज में एक सफेद रंग की गाड़ी उस महिला और उसके साथ चल रहे छोटे बच्चे के सामने खड़ी हुई और फिर आपस में उनसे कुछ बात हुई, ड्राइवर से और इन दोनों से, और ये दोनों उस वाहन पर बैठ गए। सफेद रंग की एम्बेसडर जैसा वो वाहन लग रही है, एम्बेसडर तो नहीं होगी, कोई दूसरी है, जो सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है इंटरनेट पे उसमें वो सफेद रंग का वाहन दिख रहा है। बैठ गई। बैठने के बाद जो साथ में बच्चा था, घर वालों से उसको दिखवाया गया कि भाई ये बच्चा कौन है। बहुत कोशिश की गई लेकिन महिला के घर वालों ने इनकार किया कि नहीं, वो इस बच्चे को नहीं जानते हैं। लेकिन जहां पर ये बच्चा दिखाई दिया था वहां लोगों में जब ये फोटो सर्कुलेट करा के, अच्छी फोटो बनवा के, साफ फोटो बनवा के सर्कुलेट कर दी गई, तो तुरंत पता लग गया कि ये बच्चा पड़ोस के गांव का रहने वाला है। पुलिस बच्चे के पास पहुंची। पुलिस ने पूछा कि तुम्हारे साथ कोई महिला थी? उसने कहा हां। वो बहुत देर से गाड़ी का इंतजार कर रही थी कि कोई गाड़ी उसको वहां तक जाने के लिए मिल जाए, पीहर तक। इसी बीच में ये गाड़ी आ गई। मैं भी भाग के गया क्योंकि मुझे गांव तक जाना था। मैंने गाड़ी चलाने वाले से पूछा कि मुझे गांव तक छोड़ दोगे? उसने कहा छोड़ दूंगा। फिर महिला ने अपने गांव का नाम बताया कि मुझे वहां तक छोड़ दोगे या पास तक? उसने कहा हां, तुम्हें भी छोड़ देंगे। हम दोनों ही गाड़ी पर बैठ गए और गाड़ी में लिफ्ट देने वाला व्यक्ति चूंकि गांव का ही था इसलिए बच्चे ने उसका नाम बताया कि उसका नाम कालूराम मीणा था। बच्चे ने बताया कि मुझको उतारने के बाद वो लोग गाड़ी से उस महिला को लेकर चले गए। ये भी बताया कि दो लोग थे, उसके बाद का उसको पता नहीं। बच्चे से ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद कालूराम मीणा को घेर के पुलिस ने पकड़ लिया। भागा जरूर वो, भाग भी रहा था, लेकिन पुलिस ने कई टीमें बना के छापेमारी करके कालूराम मीणा को पकड़ लिया। पहले तो वो वही गुमराह करने वाली बातें जो अपराधी करते हैं, इधर के किस्से उधर के कहानी। लेकिन फिर जब पुलिस परेशान थी, पुलिस तीन दिनों से और बहुत ज्यादा परेशान थी, पुलिस ने जब अपनी वाली पूछताछ शुरू की, श्रेणीबद्ध वाली, तो कालूराम ने पुलिस को पूरी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि बच्चे को उतारने के बाद अकेली महिला चलती हुई गाड़ी में मिली तो हम लोगों के दिमाग में शैतान सवार हो गया। वो जयपुर के बस्सी इलाके में ले गए और दोनों ने बारी बारी से उसके साथ तब तक बलात्कार किया जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गई और शव को जयपुर के लालगढ़ स्थित नई के नाथ के जंगल में एक सूखे कुएं में, करीब 150 फीट गहरा सूखा कुआं था, उसमें फेंक दिया। ये इंश्योर कर लिया गला दबा के कि कुएं के भीतर भी ये जिंदा न बच जाए। गाड़ी में कालूराम और उसका सगा चचेरा भाई संजू मीणा था। उन्होंने उस कुएं के बारे में बताया और इन दोनों की निशानदेही पर 25 अप्रैल की सुबह 4 बजे शव को कुएं से बरामद किया गया। महिला के साथ हुई दरिंदगी का अंदाजा उसके शव को देखते ही आसपास के गांव वाले और पुलिस वालों को लग गया। बड़ी क्रूरता की गई थी उसके साथ। जैसे ही वो बॉडी
पोस्टमार्टम के बाद उसके पीहर में पहुंची। लोगों ने चेहरा देखने की जब जिद की और चेहरा उसका देखा तो उन्हें अंदाज हो गया कि इसे कितनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया होगा और कितनी दरिंदगी इसके साथ की गई होगी। उसी समय वो शव का जो चेहरा उन लोगों ने चादर हटा के देखा था उसके फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए एक हैशटैग भी चलाया। विपक्षी दल के लोग सरकार पर हावी हो गए। हालांकि कुछ ही घंटे में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस महिला के 2 बच्चे थे और पूरा परिवार उसका अब पुलिस के सामने, लोगों के सामने, और फिर उसके बाद तो तांता लग जाता है। महिला आयोग की अध्यक्षा भी पहुंची होंगी, तमाम अलग अलग पार्टियों के लोग भी पहुंचे होंगे, सब सांत्वना देने पहुंचते हैं, फोटो खिंचाने पहुंचते हैं कि अगले दिन अखबार में आ जाए कि फला फला लोग पीड़िता के घर, मृतका के घर सांत्वना देने पहुंचे। एक नहीं सैकड़ों ऐसे मामलों में मैंने अपने पूरे पुलिस कैरियर में ये देखा है। बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों के लोग घड़ियाली आंसू बहाने, अगर फोटोग्राफर नहीं है तो उनका चेहरा दूसरा होता है, फोटो खींचने वाला हो तो उनका गमगीन चेहरा दिखाई देने लगता है। और दोषियों को, अच्छा, इस संबंध में बीबीसी पर भी एक बड़ी खबर आई। बीबीसी पर एडीजी क्राइम ब्रांच डॉक्टर रवि प्रकाश मेहराणा ने इसकी पूरी डिटेल बताई कि कैसे कैसे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार किया था। मुख्य अभियुक्त कालूराम मीना और उसके चचेरे भाई संजू मीना को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन और लोगों के की संलिप्तता की शंका होने पर बीबीसी को उन्होंने बताया था डॉक्टर मेहराणा ने कि अगर कोई और संलिप्त पाया गया तो उसके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई होगी। दौसा के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी राजकुमार गुप्ता ने भी 26 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने भी यही बात रिपीट की जो एडीजी क्राइम ब्रांच के डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरणा ने बताई थी, वही कि बच्चा मिला और बच्चे से। दूसरा आरोप ये था कि 3 दिन बाद निकाली गई वो डेड बॉडी काली पड़ गई थी। अखबारों ने लिखा कि ऐसा लगता है कि उसको एसिड से जलाया गया या मिट्टी का तेल डालकर जलाया गया और पुलिस इतना बैकफुट पर आई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी। ये कहा भी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में अभी हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बर्बरता की सारी सीमाएं लांघी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पोस्टमार्टम फिर अखबार वाले करते, टीवी वाले करते कि इतनी चोट थी और 5 चोट थी, 6 बता रहे हैं, इस तरह की बातें तुरंत होने लगती हैं। शायद इसको अवॉइड करने के लिए ही पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिस्क्लोज नहीं की थी और ये बात फिर बाद में तय हुई कि वो, चूंकि कुआं बहुत गहरा था, बहुत भीषण गर्मी थी, इस वजह से उसका जो त्वचा थी वो काली पड़ गई थी क्योंकि कुआं सूखा था। आज की घटना, आज की घटना में गरीब महिला को अकेली पाकर 2 कामांध व्यक्तियों ने उसके साथ जो किया वो किसी भी कालखंड में किसी भी समाज के लिए शर्मनाक भी है और रूह कपाने वाली वारदात भी है। पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर निर्भया कांड के बाद
जो बहुत कड़े कानून बनाए गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए ट्रायल के लिए। कहा गया कि चार्जशीट दाखिल होने के 2 महीने के भीतर ट्रायल की कार्रवाई पूरी कर ली जाए। कन्विक्शन रेट भी ऐसे मामलों में बढ़ा है। भयंकर मीडिया ट्रायल भी होते हैं इस तरह के मामलों के, लेकिन फिर भी ये बलात्कारी सुधर नहीं रहे हैं, फिर भी ये घटनाएं हो ही रही हैं। देखिए, अब तो इन्वेस्टिगेशन के इलेक्ट्रॉनिक टूल्स भी आ गए हैं, फॉरेंसिक एनालिसिस की बहुत अच्छी सुविधा भी लगभग पूरे देश में हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी ज़्यादातर मामलों में मिल जाते हैं जो ट्रायल में सहायता करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी विभत्स घटनाएं और महिलाओं के साथ भीषण दरिंदगी वाली घटनाएं रुक नहीं रही हैं। या तो ये लगता है कि ये कोई मानसिक रोग है या कोई मानसिक विकार है, लेकिन तुरंत ये भी सवाल उठ जाता है कि अगर ये मानसिक विकार है तो सिर्फ पुरुषों में ही क्यों है, महिलाओं में ये मानसिक विकार या इस तरह की महिलाओं द्वारा की गई घटनाएं बहुत कम है, नगण्य है। तो ये विकार, अगर विकार है, मानसिक विकार है, तो ऐसा क्यों है। मैंने बताया कि 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के साथ जो हुआ था कि और उसकी समीक्षा के लिए ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में माना गया था कि रेप किए जाने के बाद उसे मरने के लिए व्यस्त सड़क पर छोड़ दिया गया था, और फिर सोसाइटी ने न सिर्फ बुराइयों के खिलाफ सामूहिक हताशा दिखाई या उसका जन्म हुआ, बल्कि हमारे सोसाइटी ने भी इसमें जो उसका दोष है उसके बारे में भी लोगों ने बहुत लिखा पढ़ा था। ऐसे अपराधों से निपटने के लिए जस्टिस जे एस वर्मा की कमेटी बनाई गई थी, जिसने 644 पन्नों में अपनी रिपोर्ट दी थी। हालांकि उसकी सारी रिकमेंडेशंस नहीं मानी गईं, लेकिन फिर भी जो उन्होंने कड़े कानूनों को बनाने की बात कही थी वो बनाए गए। अब इसमें जैसे स्टॉकिंग यानी किसी का पीछा करना, जबरदस्ती सेक्सुअल व्यवहार करना, छूना, वैबरिज्म, ये इनको अलग अलग कर दिया गया और 354 ए से लेके डी तक आईपीसी में ये अमेंडमेंट करके उसे जोड़ा गया, जबकि पहले ये सारे अपराध सिर्फ 354 आईपीसी में कवर होते थे। देखिए, निर्भया, कठुआ रेप पीड़िता, मुजफ्फरनगर शेल्टर होम, हैदराबाद गैंग रेप, ऐसे मामलों में इंसाफ की लड़ाई बहुतों ने लड़ी, लेकिन हम इसकी वजह नहीं समझ पाए कि आखिर क्या वजह थी, क्या वजह है कि ये न तो रुक रहा है न इसमें बहुत परिवर्तन आ रहा है। इस बात पर जानकारी भी वही लोग दे सकते थे जिन्होंने ये कांड किया था, कि ऐसा क्या उनके दिमाग में चल रहा था जो उन्होंने इतना घोर अपराध कर दिया। मैं एक रिसर्च पेपर मुझे आज ढूंढते ढूंढते मिल गया, ब्रिटेन की शेफील्ड हेलम यूनिवर्सिटी में क्रिमिनोलॉजी की लेक्चरर मधुमिता पांडे, जिन्होंने अपनी डॉक्टरल थीसिस एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी से क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट से की है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम उन लोगों से बात करेंगे जो बलात्कार के अपराधी हैं, जो जेल में हैं या सजायाफ्ता हैं। तिहाड़ जेल के 100 ऐसे अपराधियों की मधुमिता पांडे ने उनसे अलग अलग बात की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि क्या वजह है और क्यों वो इस तरह का अपराध वो करते हैं। जब वो इस तरह का अपराध करते हैं तो उनके मन में आखिर क्या चलता रहता है। तमाम और लोगों के बारे में उन्होंने इस अपनी थीसिस में, अपने इस लेख में जो फर्स्ट पोस्ट में छपी थी,
और उसका जो हिंदी रूपांतरण है उसका लिंक मैं कम्युनिटी में डालूंगा, आप पढ़ सकते हैं। एक जगह उन्होंने ये भी लिखा है कि इसका एक तरीका जो थीसिस के दरमियान आया कि साहब रेप के जो आरोपी हैं ये अगर रेप पीड़िता के साथ मध्यस्थता करके उससे शादी कर लें तो रेप पीड़िता का घर भी बच जाएगा और समाज में एक संदेश जाएगा। उन्होंने दो एग्जाम्पल कोट किए हैं कि मद्रास हाई कोर्ट के जज पी देवदास ने एक बार एक बलात्कारी को सिर्फ इसलिए जेल से बाहर जाने की अनुमति दे दी ताकि वो अपनी विक्टिम या पीड़िता के साथ मध्यस्थता कर सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो मलेशिया के पूर्व शरिया जज दातुक शाहबुद्दीन ने भी ये सुझाव दिया कि बलात्कारियों को अपने द्वारा बलात्कार की गई पीड़ित महिला के साथ शादी कर लेना चाहिए, कम से कम उनको एक पति तो मिल जाएगा। लेकिन बलात्कार के अपराध का शिकार हुई महिलाओं के भीतर सिर्फ ये नहीं है कि उसने बलात्कार किया, वो उसे अंदर तक झिझोड़ के रख देता है। वो ट्रॉमा जो उसका है उसकी किसी को भी याद नहीं आती और आसानी से आप कह देते हैं अरे साहब दोनों लोग मिल जाएं, शादी कर लें, उसको पति मिल जाए। ऐसा न तो संभव है, कहीं कहीं हुआ होगा लेकिन सामान्य रूप से न तो लड़की इसको एक्सेप्ट करने को तैयार होगी न सोसाइटी इसे एक्सेप्ट करने को तैयार होगी। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में कही है कि रिसर्च पेपर में कही है कि ऐसा लगता है, वो लिखती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जो लोग बलात्कार करते हैं उनमें जन्म से जैविक या मनोवैज्ञानिक तौर पर ये टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, डार्क डिजायर्स, ये इसकी संज्ञा दी गई हैं जो शायद पहले से मनोविज्ञान की भाषा में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। कहते हैं कि रेप बहुत ही जटिल अपराध है। मैंने इन 100 के 100 लोगों से बातचीत करने के बाद ये देखा कि जो भी आदमी बलात्कार का दोषी होता है वो ये अपराध सिर्फ इसलिए कर देता है क्योंकि वो ऐसा कर सकता है। उसके पास इरादा तो हमेशा रहता है लेकिन मौका शायद नहीं मिलता, और मौका मिलते ही उसका ये इरादा उसकी पार्श्विक प्रवृत्ति में बदल जाता है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। कालूराम मीना और उसका चचेरा भाई संजू मीना जरूर ये मानसिक रोग से या जरूर ये डार्क डिजायर्स इनके भीतर रहे होंगे, और जैसे ही इन्हें मौका मिला एक अकेली महिला कार में, चलती हुई कार में, उनका शैतान जग गया। वो आगे कहती हैं कि ये जो इस तरह के अपराधी हैं वो एक दिन में ये बलात्कार जैसा कि जैसे एक ही दिन में उन्होंने ये घटना कर दी, ऐसा नहीं होता। वो धीरे धीरे, उनका ये कहना है कि ये जो है कंटिन्यूटी है, ये जिसको कहते हैं कि ये सतत प्रयास उनका है या सतत प्रक्रिया है जिसकी वजह से वो ऐसा गंभीर अपराध कर देते हैं। वो ये कहती हैं कि यौन हिंसा हमेशा एक निरंतरता में घटने वाली हिंसा है, क्योंकि बलात्कार या रेप एकदम से होने वाली बात नहीं है। ध्यान हमारा ऐसी ही गंभीरता या गंभीर घटनाओं की तरफ होता है, लेकिन जो इसके अपराधी हैं अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड पीछे का देखा जाए तो वो पहले उन्होंने जरूर ईव टीजिंग की होगी, किसी ने संज्ञान लिया या न लिया हो। लैंगिकता वाले चुटकुले वो पसंद करते हैं, सेक्सुअल जोक्स जो होते हैं, महिलाओं के प्रति इस्तेमाल की जाने वाली घटिया भाषा ऐसे लोग प्रयोग करते हैं,
गाली और उत्पीड़न किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर ये सब छोटी 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 बातें दिखाई पड़े, ये मान के चलिए कि जब भी उसे मौका मिलेगा वो इस तरह के अपराध यानी जघन्य निर्मम बलात्कार की घटनाओं को अंजाम देगा। उनकी रिसर्च में ये बात बहुत स्पष्ट निकल कर आई कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मधुमिता पांडे कहती हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि वो छोटी 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 जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता, जिन पे हम शोर नहीं मचाते, अगर किसी लड़के ने किसी लड़की पे फप्तियां कसी हैं, हमें आपको आगे आना होगा, उसे बताना होगा कि ये गलत आदत है, उससे बताना होगा कि ये गलत बात है। अगर मोटरसाइकिल पे चलते चलते किसी लड़की का दुपट्टा किसी ने खींचा है तो ये मान के चलिए कि उसे जब भी मौका मिलेगा वो इस तरह का अपराध जरूर करेगा। इसलिए उनका इतनी लंबी रिसर्च के बाद जिसमें उन्होंने डॉक्टरेट की है, जिसमें उन्होंने 100 रेप के अपराधियों से उनकी मानसिकता जानने के लिए बातचीत की, उनका इंटरव्यू लिया, वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये एक दिन की प्रोसेस नहीं होती कि एक दिन उसको लड़की दिखाई पड़ गई और उसने उसके साथ बलात्कार कर दिया। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और रेप कम्स आफ्टर कंटिन्यूटी इन इंसिडेंट्स, ऐसा वो लिखती हैं। मैं इसके लिंक शेयर करूंगा, आप जरूर इसे पढ़िएगा। उनका ये कहना है कि जब घटना घट गई, गंभीर हो गई, तब तो सब खड़े होंगे, तब सब इस पे ध्यान देंगे, सब गाली देंगे, सब जाम करेंगे, सब धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन रोजमर्रा के दिनों में हमारी प्राथमिकता इन कम खतरनाक घटनाओं पर ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यही वो मामले हैं जो अंत में हिंसात्मक व्यवहार के शीर्ष पर पहुंच जाती हैं। मैं भी शायद इस रिसर्च पेपर को पढ़ने के बाद मैं मधुमिता जी से सहमत हूं। सारे तो नहीं, लेकिन रेप के अपराधियों को जब जब पकड़ा गया या हमने हमारी टीम ने बातचीत की तो ये बात जरूर निकल कर आई कि साहब 2 साल पहले इसने ये भी किया था, साल भर पहले उसने ये भी किया था, पब्लिक ने पकड़कर मारा भी था, मेले में, गांव के तमाम मेले होते हैं, वो लड़कियों के आसपास मड़राता देखा गया, छूने की कोशिश करता देखा गया, धक्का देते देखा गया, पुलिस ने भी पकड़ा, लेकिन ये किसा भी छोटा अपराध है, जाने दीजिए। ज्यादा प्राथमिकता इन छोटे अपराधों पर, क्योंकि बलात्कार वो एक एंड है कंटिन्यूअस प्रोसेस का। मैं आज हम लोगों का 599 एपिसोड हुआ है, कल 600वां एपिसोड मैं करूंगा, और कल बहुत से हमारे सुधी दर्शकों, सुधी किस्सा गोई परिवार के लोगों ने शिकायत की कि बहुत दिन हो गया आपने लाइव नहीं किया, कल मैं लाइव आऊंगा, समय वही 9 बजे, और कल का अपराध भी मैं बता दूं, ये अंतिम होगा ब्लाइंड मर्डर्स के सीरीज का, और बहुत ही फेमस अपराध था, रियान इंटरनेशनल स्कूल गुरुग्राम में 7 साल के एक बच्चे प्रद्युम्न ठाकुर की स्कूल के ही बाथरूम में हत्या हुई थी। बड़ा लंबा लिटिगेशन चल भी रहा है, पुलिस ने क्या क्या करतूत की ये भी मैं आपको बताऊंगा, पुलिस ने रस्सी को कैसे सांप बना दिया ये भी मैं बताऊंगा, सीबीआई ने केस को कैसे हैंडल किया और कैसे खोला मैं एविडेंस के, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आशा है जो मानसिकता के बारे में मैंने आपको बताया है
आप उससे सहमत होंगे। मधुमिता पांडे जी की इस रिसर्च से आप सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।